मेरा नाम जगदीश पोनिया है, मैं गांधीनगर बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। मेरी कोई रुचि नहीं थी पहले, मैं कॉलेज में आया तो मेरे को मालूम चला कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा नाम रेखा राम चौधरी, विधानसभा क्षेत्र बैतू, गांव चिमोड़ी। साथियों, परिणाम इनका चाहे कुछ भी हो या ना हो, खुद का हौसला है हमेशा आपके बीच में काम करने का, और जिस मजबूती के साथ आज वो इस मंच में खड़े हैं, मैं आग्रह करता हूँ साथियों, इसी मजबूती के साथ मेरे भाई आपके साथ खड़े रहेंगे। पहले गवर्नमेंट कॉलेज था नहीं भाई, तू पे तो ये अभी 4 साल हुए कॉलेज खुलने, बाड़मेर में और जोधपुर में, बालोतरा में। मैं सुनता था, अखबार पढ़ता था, उस टाइम भी आता था इलेक्शन। 20 में 5 साल में इलेक्शन बंद भी हो गए कॉलेज के, 20 में 5 साल नहीं आए थे। उससे पहले मैं अखबार देखता था, अखबार में आता था ऐसा इलेक्शन होते हैं कॉलेज में। उस टाइम हम समझते नहीं कैसे होते हैं क्या होता है, फिर भी देखते थे अखबार में। व्यवस्था नहीं थी तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो उस समय मेरे को पार्टी ज्वाइन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ एक तो लाइब्रेरी की बहुत समस्याएं थी, हर चीज़ की वहाँ कॉलेज नया कॉलेज था उस समय समस्याएं थी। तो एक एनएसएस संगठन मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एनएसएस संगठन उस समय प्रेसिडेंट भी था और हर मुद्दे को उठाया जाता था, और तालेबंदी करने का पहले भी माहौल चल रहा था क्योंकि भाजपा की सरकार है इस समय हमारे कॉलेज में। अभी तक लेक्चरर की कमी है और उस समय मैंने जब एडमिशन लिया था उस समय भी कमी थी, इसलिए मैंने एनयूसी संगठन ज्वाइन किया। मेरे को एनयूसी संगठन एक अच्छा लगा और अच्छे माहौल के मुझे दोस्त मिले, और इसलिए मैंने एनयूसी संगठन ज्वाइन किया। शपथ लेता हूँ कि मैं महाविद्यालय की गौरवमयी परंपराओं को बनाए रखते हुए संविधान की धाराओं के अनुरूप कार्य करूँगा। मेरा नाम पंकज सोलंकी और विधानसभा का महाविद्यालय बैतू। हाँ, कॉलेज की प्रॉब्लम थी उसे सुलझाने के लिए तो ये सब का इलेक्शन हो रही है ना, तभी मैंने ही भाग लिया। मेरा नाम प्रमिला चौधरी है, मैं लखवारा चौटन से बिलोंग करती हूँ। तो अब मेरा फाइनल चल रहा है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाहर में। वैसे मुझे पॉलिटिक्स में इतना कोई खास रुचि नहीं है, पर देखा कि इस कॉलेज में बॉयज तो हमेशा ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो इसमें गर्ल्स भी है, क्यों नहीं हम भी लड़ सकते हैं। गर्ल्स की कोई भी समस्या होती है उनको भी आगे बढ़ाने में, सर तक पहुंचाने, प्राचार्य तक पहुंचाने में सहयोग होता है, इसीलिए मैंने महासचिव पद पर इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा। तो सब लोग बोल रहे थे पहले भी वाले, तो किससे पूछ कर एनयूसीआई में गई, किससे पूछा। हम लोगों को पहले बताया कि तू एनयूसीआई ज्वाइन करिए, मैंने कहा ये तो कोई ज्वाइन करने वाली बात नहीं है, जहाँ अच्छे लोग हो गए वहाँ तो अच्छे लोगों का साथ देंगे ना। क्योंकि कॉलेज के अंदर कार्य करती है और एक्टिव रहती है। एनएसआई ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि ये एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के नियम बहुत अच्छे हैं और नियमों की हमेशा ये कांग्रेस पार्टी पालन करती है, इसलिए मैंने एनएसआई संगठन को ज्वाइन किया। मैंने एबीवीपी संगठन ज्वाइन नहीं किए, तभी मैंने सोचा मैं ज्वाइन करूंगी और एनएसआई को पक्का जीता के दिखाऊंगी। आज मैं पहली गर्ल्स हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की जिन्होंने महासचिव पद पे चुनाव लड़कर जीती हूँ, इस बात की मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है। फिर भी हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज मेरे को मैंने मुद्दा उठाया इसके बारे में तो स्टूडेंट विद्यार्थी मेरे साथियों ने, भाइयों और बहनों ने मुझे अध्यक्ष घोषित किया है और भारी मतों से विजय बनाया है। मैं उनके लिए अभी मेहनत कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए जरूर टीचर्स लेके आऊंगा, लेक्चरर। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी बहनें जो हमें देख कर वो भी आगे बढ़ना सीखे और अपनी बात को सबके सामने रख सकती है। मैं बाड़मेर जैसलमेर के सांसद हरीजी चौधरी से प्रेरित हुआ और उनकी भावनाओं से प्रेरित हो गया, और हरीजी जैसे किसान भाइयों से मिलते हैं और हर धर्म जाति धर्म के लोगों से प्रेम भावनाओं से गले लगाना, हर त्योहारों पर उनको बधाइयां देना, हर तौर तरीके से हरीजी के मैं भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने भी कॉलेज में हरीश जी जैसे तरीके अपनाए, तो वहाँ के विद्यार्थियों ने और मेरे युवा साथियों ने मेरे को चाप दिया और मेरे को विजयी बनाया।
अब तो बल तो मिलेगा ही। इस बार कांग्रेस पार्टी जीत गई है, आने वाले 2 महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस सब कांग्रेस जीत को देखकर खुशी हो रही है कि सब लोग इस बार पूरी जोधपुर संगम में एनयूसी ही जीत गई है, तो कांग्रेस को भी अब बहुत बड़ा बल मिल गया। कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जमीनी से उठकर और सारे यूथ से उठकर यूथ और यूथ से उठकर कांग्रेस, तो ऐसे ऐसे ये जिताने की पूरी कोशिश करेंगे।